ये वो ट्वीट है जो मैंने 5 दिन पहले किया था, उसके बाद काफ़ी सारे रीट्वीट्स हुए हैं, ट्वीट्स हुए हैं, तो अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल नहीं रही थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है। एक एक रिप्लाई देखने को मिला है जो कि अक्षय पाटिल जी ने टैग करके मुझे डाला है, और उनकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिल पाई है। तो अब ये है कि डाला किसने रिप्लाई जो है, तो अब देख बताता हूँ आपको कि देखो रिप्लाई आया कहाँ से। रिप्लाई आया दीपक प्रधान सर की तरफ से, जो कि एक एम्प्लॉय है। अब मुझे ये पता नहीं कि किस पोस्ट पे हैं, लेकिन देखो इनकी ऑफिशियल चीज़ें मैं कुछ बता देता हूँ। देखो आप इनके फॉलोअर्स में जाओगे तो FCIDO शक्ति नगर ने इनको फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और मैं चीज़ें आपको दिखा दूँ और भी जो हैं, आप नीचे देखिए एक तरीके से, और दिखाता हूँ जो कि आपको देख कर थोड़ा शॉकिंग लगेगा। FCI इंडिया तक ने इनको फॉलो किया हुआ है, तो इनकी बात में दम होगा तभी इनको फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और किसी अच्छी पोस्ट पे ये होंगे तो ही, एक FCI इंडिया मतलब ओवरऑल जो एजेंसी है उन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है। आप देख लीजिए ऑफिशियल अकाउंट्स है वो भी अपने, तो इन्होंने रिप्लाई क्या दिया है, देखो मैं रिप्लाई की तरफ ले आता हूँ आपको। रिप्लाई इन्होंने ये दिया है कि FCI में बल्क ट्रांसफ़र्स हुए हैं, ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि 30 जून और न्यू रिक्रूटी आने के बाद रिसीविंग होगी। इसका मीन्स है कि जल्दी आपकी समस्या का हल होने वाला है। समस्या का हल, देखो एग्जैक्ट वर्ड्स में तो देखो ये लिख नहीं सकते, क्योंकि एक ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड्स में तो कोई चीज़ लिखी नहीं आ सकती, लेकिन इनकी बातों का मतलब मैं समझ गया हूँ कि जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट इन्होंने भी नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है, और ये बता मतलब कहना ही चाहा है एक तरीके से उन्होंने कि रिजल्ट जल्दी आएगा। समस्या का हल मतलब हमारी समस्या का हल तो यही है ना कि मेंस का रिजल्ट आए जल्दी से जल्दी, ताकि ज्वाइनिंग होए, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। हमारे ट्वीट्स का देखो इम्पैक्ट तो पड़ा है कि काफ़ी लोगों तक ये चीज़ें पहुँची है, हमारे ट्वीट्स की थोड़ी सी हमारी मेहनत सफल होती नज़र आई है। हमने काफ़ी मेहनत की थी, ट्वीट्स किए, रीट्वीट्स किए, कमेंट्स किए, काफ़ी सारे लोगों को टैग भी किया, तो सबका धन्यवाद था जिन्होंने सपोर्ट किया हो हम सबको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, या तो जून के फर्स्ट वीक में आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर उन्हें स्किल टेस्ट वगैरह कराना है तो अब इन्हें जल्दी से, मुझे लगता है कि अब प्रोसेस फास्ट होगा, जैसे जब जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रोसेस एकदम फास्ट होगा। अगर इन्होंने स्किल टेस्ट पहले कराते हैं तो देखो अब इन्हें रिजल्ट निकाल देना चाहिए जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि उन्हें फिर जो है सब चीज़ों के लिए टाइम भी चाहिए, DV वगैरह के लिए और मेडिकल वगैरह जो भी होते हैं, इनमें प्रोसेस जो होता है, क्योंकि फिर मुझे लगता नहीं है कि स्किल टेस्ट के बाद ये ज़्यादा समय लगाएंगे फिर जो है फाइनल रिजल्ट में, मेरिट में जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है कि 30 जून के बाद ही जो ट्रांसफ़र्स की एप्लीकेशन लगी हुई है उनकी रिसीविंग होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 30 जून से पहले पहले सारा काम निमट जाएगा, सारा काम ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा मतलब ज्वाइनिंग का, उसके बाद ही न्यू रिक्रूटी आने के बाद ही रिसीविंग होगी, मतलब यही है इस बात का। तो अब दीपक प्रधान सर ने भी एक पॉजिटिव न्यूज़ दे दिया, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर का हमारी तरफ से जो है। तो अब मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी आ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है एग्जैक्ट डेट जो है। तो एक मेरी एडवाइस है कि आप रिजल्ट की तरफ से दिमाग हटा के अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो RRB का है, जिसके लिए सिर्फ 70 डेज़ के आसपास बचे हैं, ठीक है, जो आपका अगस्त में होगा, सबका कैलेंडर आ चुका है UPS का, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आप जो PO1 की कोशिश करो, ऑफिसर रैंकिंग की तरफ जाओ, अभी CGL का भी रिजल्ट आया था, ठीक है, आप तैयारी करो अच्छी तरीके से जो है, आप दिमाग हटा दो, इस पर रिजल्ट के चक्कर में मत बैठे रहो, क्योंकि काफ़ी सारा समय ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, और अभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, सर ने एग्जैक्ट डेट लिखी नहीं, क्योंकि ये भी एक क्या कहते हैं एम्प्लॉई होंगे FCI में, ताकि सीधी सीधी बात लिख नहीं सकते ना, उसमें फिर वो इन्फॉर्मेशन लीक होने की दिक्कत हो जाएगी ना फिर, कि आप इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो गवर्नमेंट की एजेंसी की जो है। तो भाई अब बस समझ जाइए कि अब कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है बहुत दिन के बाद जो है। तो यही बात थी, बस मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे ट्वीट्स का जो है कुछ तो फ़ायदा हुआ है, इतनी मेहनत हमने की है। आप जैसे ID पे जाओगे मेरे तो काफ़ी सारे ट्वीट्स ये ट्वीट्स देखने को मिल जाएंगे आपको, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने क्या कहते हैं मेहनत की। तो आप अब इस तरीके से देख सकते हो कि अब जो है रिजल्ट के, अब जो एम्प्लॉयज़ भी रिजल्ट का रिप्लाई दे रहे हैं मतलब हमारे ट्वीट्स का जो है, तो कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, समस्या हल जल्दी होए तो अच्छी बात है। बस यही बताना था कि इसमें हमें कुछ एक रिप्लाई दिया है, अक्षय पाटिल जी ने मुझे टैग किया था, जिसकी वजह से मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है।